Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते भारत के दक्षिण में सातवाहन साम्राज्य ने खुद को एक मेजर पावर सेंटर की तरह एस्टैब्लिश कर लिया और इसी दौरान भारत के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स पर इंडो ग्रीक्स, शक और पार्थियंस जैसे फॉरेन इन्वेडर्स ने अपना कब्जा जमा लिया। फिर इंडियन बॉर्डरलैंड में ग्रीक्स और पार्थियंस की जगह ली कुषाण डायनेस्टी ने। हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए कुषाण्स ने गंगा घाटी को जीतकर भारत के राजवंशों में अपना नाम अमर कर लिया। माना जाता है कि कुषाण यानी कुई शैंग डायनेस्टी के लोग सेंट्रल एशिया की ह्यूची ट्राइब के डिसेंडेंट्स थे। भारत में कुषाण एम्पायर की नींव रखने वाले पहले ह्यूची चीफ थे कुजुला, जिन्होंने ह्यूची की पांचों शाखाओं को एकजुट किया और इंडो पार्थियंस पर धावा बोलकर उन्हें भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से बाहर खदेड़ दिया। फिर एंशियंट इंडिया के कुछ रीजन्स को जीतकर कुजुला बन गए भारतीय सीमा क्षेत्र के एकमात्र अधिपति। उनका एम्पायर पर्शिया के बॉर्डर्स से लेकर झेलम के तट तक फैला हुआ था और उनकी राजधानी थी काबुल। माना जाता है कि कुजुला के बाद उनके पोते विम कटफेसिस ने राज्य की बागडोर संभाली और अपने दादा के राज्य को बढ़ाते हुए पंजाब, मथुरा और बनारस पर कब्जा जमाया और इस तरह उन्होंने गंगा की घाटी को भी अपने नाम कर लिया। विम कटफेसिस न सिर्फ अपने एम्पायर के एक्सपेंशन पर ध्यान देते थे बल्कि अपने राज्य में व्यापार को भी खूब बढ़ावा देते थे। भारत में सोने के सिक्कों के उपयोग की पहल इन्होंने ही की थी। विम कटफेसिस की डेथ के बाद उनके गवर्नर्स के बीच सक्सेशन के लिए खूब लड़ाइयां हुई और फिर 78 AD में कनिष्क ने राजगद्दी संभाली। प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कुषाण्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। कनिष्क ने मालवा रीजन को कंट्रोल करने के लिए शक रूलर चाटसाना को हराया। उन्होंने अपने साम्राज्य को पाटलिपुत्र और गया तक बढ़ाया। अपने विशाल साम्राज्य पर आसानी से रूल करने के लिए सम्राट कनिष्क ने दो राजधानियों की स्थापना की, एक पेशावर में और दूसरी मथुरा। अपने पड़ोसी देश चीन के साथ कुषाण राजाओं के संबंध कभी अच्छे नहीं थे, मगर सम्राट कनिष्क ने इन संबंधों को सुधारने के लिए एक पहल की और चाइनीज प्रिंसेस के लिए मैरिज अलायंस का न्योता भी भेजा। जब चाइनीज एम्परर ने इसे ठुकरा दिया तो कनिष्क ने चीन पर चढ़ाई कर दी। दुर्भाग्य से कनिष्क को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें चाइनीज एम्परर को एक मोटी रकम चुकानी पड़ी। माना जाता है कुषाण्स, ग्रीक्स और शक उन फॉरेन इन्वेडर्स में थे जो भारत में आकर ऐसे रज बस गए कि वक्त के साथ उन्होंने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को त्याग कर भारतीय संस्कृति को अपनाया। कुषाण्स ने यहां आकर भारतीय धर्मों का पालन भी किया। कुछ कुषाण्स किंग ने शैविज्म को अपनाया तो कुछ ने बुद्धिज्म को। राजा कनिष्क बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। उनके शासनकाल में कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसमें बौद्ध धर्म दो सेक्ट्स में बंट गया। कनिष्क के समय में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का राइज हुआ। गांधार कला सेंट्रल एशियन, रोमन और ग्रीक आर्ट के साथ भारतीय कला का एक कॉम्बिनेशन थी और इसे ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण काल में रोमन एम्पायर के साथ बेहद फायदेमंद व्यापार हुआ करता था। राजनीतिक संबंध, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए रोम और भारत के बीच कई दूतावास स्थापित हुए। ग्लोबल सिल्क रूट पर कुषाण साम्राज्य का कंट्रोल होने के कारण भी भारतीय व्यापार में तेजी आई। यूं तो कनिष्क के कार्यकाल में एक भी रिवोल्ट नहीं हुआ, लेकिन लगातार हुए युद्धों के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट जरूर आ गई।
अंत में उनके सैनिक भी इन युद्धों से तंग आ गए और आखिरकार बीमारी के दौरान ही कनिष्क की हत्या कर दी गई। कनिष्क के बाद कुषाण डायनेस्टी के लास्ट नोटेबल किंग थे वासुदेव। लेकिन वासुदेव की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य दो हिस्सों में टूट गया। इसके पश्चिमी हिस्से पर पर्शियंस और हंस ने कब्जा कर लिया और पूर्वी हिस्से पर गुप्त वंश ने अपना अधिकार जमा लिया। आगे चलकर इसी गुप्त साम्राज्य को भारत के गोल्डन ईरा के रूप में जाना गया। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए देखते रहिए राजवंश।